फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इसके पहले हम द्विवेदी युग में किसको पढ़ चुके हैं? श्रीधर पाठक को पढ़ चुके हैं और उनके बारे में जितने भी तथ्य हैं वो मैंने आप सबको बता दिया था। उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैंने नहीं बताया था। मैंने सोचा कि द्विवेदी युग के जो रचनाकार हैं उनको पढ़ने के बाद हम पंक्तियों को भी ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। लेकिन आज की जो हमारे दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं वो कौन हैं? हरिऔध हैं, मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो कि द्विवेदी युग में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और उनकी रचनाओं को भी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इसके पहले क्या है, कौन कवि आते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं। पाठक के बाद अगर कालक्रम में पूछा जाए तो कौन आएंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी आएंगे। उनका है 1864 ईस्वी और इनका जन्म क्या है 1865 ईस्वी है, मतलब एक साल के बाद ये पैदा हुए। तो लेकिन उनका काव्य से संबंधित तथ्य थोड़ा सा कम है, इनका ज़्यादा पूछा जाता है काव्य में द्विवेदी युग में। मैंने सोचा कि हम इनको पहले पढ़ लेते हैं, जो जिनसे कम पूछा जाता है या फिर जिनका योगदान काव्य में थोड़ा सा कम रहा तो उसको हम बाद में पढ़ लेंगे। अब देखते हैं हमारा कौन कवि है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। याद रखना, वर्तनी में अयोध्या पूछा जाता है, हमको लगता है कि अयोध्या में आ बड़ा आ रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे छोटा आ ही रहता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म कब होता है? 1865 ईस्वी में इनका जन्म होता है। मृत्यु कब हो जाती है? 1947 ईस्वी में। मृत्यु कब होती है? 1947 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक काल का दूसरा सूरदास कहा जाता है। आधुनिक काल का दूसरा सूरदास कहा जाता है। आप सभी को पता होगा कि जो सूरदास हैं वो कृष्ण का गान करने के लिए, कृष्ण के वर्णन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। शायद उनकी तरह कृष्ण का जो वर्णन है सूक्ष्म से लेके एकदम स्थूल तक किसी ने नहीं किया होगा। और उनके संबंध में शायद रामचंद्र शुक्ल ने कहा भी है कि सूरदास के बाद जितने भी कवि कृष्ण का वर्णन करते हैं ऐसा लगता है जैसे उनकी झूठी रचनाएं हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है, मतलब सूरदास की तरह इन्होंने आधुनिक काल में वर्णन किया। और कृष्ण से संबंधित इनका कौन सा ग्रंथ है? प्रिय प्रवास में भी इनका जो सूरदास का सूर सागर ग्रंथ है उसी के समतुल्य, उसी के जैसे उन्होंने भी कहानी ली है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे जो कहानी है आधुनिकता की भाव हो, मतलब आधुनिकता से परिपूर्ण है, लेकिन जो सूरदास का सूर सागर है वो क्या है, वो पहले की कहानी है। यहाँ पे क्या करते हैं, आधुनिक काल में आके जो लोग हैं वो बौद्धिक हो गए थे, मतलब बुद्धि से सोच रहे थे, सबका लोक हित सोच रहे थे। तो प्रिय प्रवास में इन्होंने क्या किया है, लोक हित की बात की है। लेकिन सूरदास की जो गोपिकाएं हैं वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही हैं, वो अपने ही वियोग में मरी जा रही हैं। आधुनिक काल का सूरदास इनको किसने कहा, अगर पूछे आधुनिक काल का सूरदास इन्हें किसने कहा था, तो गणपत चंद्र गुप्त ने क्या कह दिया इनको, आधुनिक काल का सूरदास। और इनको क्या कहा जाता है, कवि सम्राट भी कहा जाता है। इनको कवि सम्राट भी कहा जाता है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रिय प्रवास। इनकी जो रचना है ये द्विवेदी युग में क्या हिंदी साहित्य में, पूरे हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रिय प्रवास क्या है, कितने में है अगर पूछे, इसका सन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग सन याद कर लेना, 1914 ईस्वी। समय क्या है, 1914 ईस्वी। और सर्ग बहुत पूछा गया है, सर्ग अगर पूछे तो कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। याद रखना, कैसे याद रखेंगे, प्रवास में लास्ट में सा आ रहा है और 17 में भी सा से शुरुआत हो रही है, तो प्री प्रवास सा से खत्म हो रहा है, यहाँ से सा से शुरू होगा 17, मतलब प्री प्रवास में कितने सर्ग हैं अगर पूछे तो 17 सर्ग हैं। और क्या है इसका विषय, क्या है
कृष्ण के बचपन से लेके मथुरा गमन का वर्णन है, मतलब कृष्ण के बचपन से इन्होंने कहानी उठाई है और ये मथुरा चले जाते हैं वहां तक का वर्णन इन्होंने किया है। अब इसे क्या कहा जाता है, प्रथम खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य खड़ी बोली का। यहाँ पे खड़ी बोली आप लोग कर लीजिए, खड़ी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। अगर पूछे, ये बहुत पूछा भी जाता है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो प्री प्रवास को कहा जाता है। और इसका पहले अगर नाम पूछे कि इसका पहले कौन सा नाम था, तो ब्रजांगना विलाप, याद रखना ब्रजांगना विलाप। इसका इन्होंने पहले नाम क्या रख दिया था, ब्रजांगना विलाप, लेकिन बाद में क्या होता है ये इसका नाम क्या रख देते हैं, प्री प्रवास। अब देखते हैं कि ये क्या है, इसमें संस्कृत के वर्ण वृत्त हैं, मतलब इसमें संस्कृत के वर्ण वृत्त भी हैं, संस्कृत के वर्ण वृत्त। अगर पूछे एग्जाम में ऐसी कौन सी रचना है जो संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है, तो कौन सी है, प्री प्रवास इनकी संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित हो जाएगी। मैंने बता दिया कि इसको प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, ब्रजांगना विलाप इसका पहले का नाम था, संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है और इसे पुरस्कार भी मिला था। कौन सा पुरस्कार, मंगला पारितोषिक पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार, याद रखना आप लोग, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी इसे ही मिला था। ये जो तीन चार बातें मैंने बताई आप लोगों को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको अपने जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसके बाद है हमारा क्या, पारिजात। इसके बाद क्या है, पारिजात, इसका भी समय याद कर लीजिए, 1937 ईस्वी है। इसका समय क्या है, 1937 ईस्वी है। सर्ग कितने हैं इसमें, 15 सर्ग है। अब इसको कैसे याद रखे, मैं ज्यादातर ट्रिक क्या करती हूँ, वही शब्दों से ही दूसरे शब्द को लिंक कर देती हूँ, क्योंकि कोई अगर कहानी बना रहे हैं तो एग्जाम में कभी कभी कहानी मतलब स्किप कर जाती, याद नहीं आता है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे देखते हैं मैं क्या करती हूँ, उसी में से एक वर्ड निकाल के दूसरे से लिंक कर लेती हूँ। पारिजात भी पा से शुरू हो रहा है और 15 भी पा से शुरू हो रहा है, पारिजात भी पा से शुरू हो रहा है और 15 भी पा से। हमें ये तो पता होता है कि एक में 17, एक में 15, एक में 18 है, लेकिन कंफ्यूजन ये होता है कि कितने, किसमें 17 है, किसमें 15 है, किसमें 18 है, तो यही हमारा कंफर्म हो जाएगा इस तरह से अगर हम लिंक कर लेंगे, तो प्री प्रवास में 7 से खत्म हो रहा है, 7 से 17, और पारिजात में 5 से 15 और 5 से ही पारिजात। इसके बाद इसमें है क्या, इसमें इसका वर्णन है आध्यात्मिक और धार्मिक। ये कैसा ग्रंथ है, आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। तीसरा इनका कौन सा ग्रंथ है, वैदेही वनवास। वैदेही आप लोग को पता हो किसका पर्यायवाची है, तो ये सीता का पर्यायवाची है वैदेही, तो वैदेही वनवास किसका वनवास हो रहा है, सीता का वनवास। इस तरह से हमें क्या होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना चाहिए। अगर पूछ ले वैदेही वनवास का विषय क्या है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वैदेही किसे कहा जाता है, सीता को कहा जाता है, और उन्हीं को वनवास दिया जाता है। बाद में जब उनपे कलंक लगता है तो राम क्या करते हैं, उनको निर्वासित कर देते हैं राज्य से, उसी की पूरी कहानी वैदेही वनवास में वर्णित है। इसमें क्या है, वैदेही वनवास 1941 समय है और इसका सर्ग कितना है, 18 है। सर्ग कितना है, 18 है, और राम के द्वारा सीता का निर्वासन किया जाता है, यही कथा इसमें कही गई है। इसमें आप कैसे याद रखेंगे, वा देख रहे हैं, अगर छोटा सा इधर ऐसे कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना। अगर 18 में अगर ऐसे कर दे तो वा बनाने के लिए गोला करना पड़ता है ना, तो गोला की तरह ही क्या है, वा भी है, तो वैदेही वनवास में सर्ग पूछे तो 18, नहीं तो आप 18 नहीं याद करेंगे, फिर भी 2 का याद कर लिए हैं कि प्री प्रवास में कितने हैं, 17 हैं,
और पारिजात में कितने हैं? 15 हैं, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा 18 अपने आप याद हो जाएगा। इसके बाद इनके कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं। कौन से ग्रंथ हैं इसको हम याद कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि ये भी रचनाएं अभी पूछी जाने लगी हैं। सभी क्या कर देते हैं, परिप्री, प्रवास, पारिजात, वैदेही, वनवास याद कर लेते हैं, लेकिन ये जो रचनाएं हैं इसको भी याद करना जरूरी है, क्योंकि अभी जो एग्जाम का स्तर है वो ऊंचा होता जा रहा है, तो हम लोगों को भी वैसे ही पढ़ने की जरूरत है। देखते हैं कृष्ण शतक। कृष्ण शतक किसकी है? कृष्ण शतक कितने में है? 1882। समय सबका नहीं जरूरी होता है, किसी किसी का समय आप लोग याद कर सकते हैं। रसिक रहस्य दूसरा है, प्रेमांब वारिधि है, प्रेम प्रपंच, प्रेमांब प्रश्वर, प्रेमांब प्रवाह, ये सारी क्या है यहाँ से प्रेम से संबंधित है। कृष्ण शतक, अगर कोई शतक लगा देगा तो सब उसका रहस्य जानने की कोशिश करेंगे कि नहीं? अगर कोई शतक लगा दिया तो उसका रहस्य सब जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे लगाया, क्या रहस्य था उसका कि कैसे लगा दिया शतक। तो वही शतक के बाद क्या हो जाएगा? रहस्य हो जाएगा। रसिक रहस्य, प्रेम अंग वारिध, और उसपे क्या करेंगे सब लोग? वार देंगे, अपना सब कुछ वार देते हैं ना। कोई शतक लगा दिया, अच्छा खेल रहा है, तो क्या करते हैं उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं, सब कुछ अपना निछावर कर देते हैं, वार देते हैं खुद को, तो वही हो जाएगा वारिध। इसके बाद क्या है, प्रेम में क्या होता है? प्रपंच भी होता है। वार तो दिए लेकिन क्या हुआ, प्रेम में उनको प्रपंच मिला, फिर श्रवण करने लगते हैं, मतलब प्रेम अमु प्रश्रवण। इसके बाद क्या करते हैं, प्रपंच में क्या करते हैं, वो श्रवण करने लगते हैं, अश्रु बहाने लगते हैं, प्रेम अश्रु, प्रेमांग प्रश्रवण करने लगते हैं, मतलब अश्रु बहाने लगते हैं। जब अश्रु बहाने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेम का प्रवाह, फिर वो अश्रु प्रवाह के रूप में गिरने लगता है, प्रेमांग प्रवाह हो जाएगा। फिर से देखते हैं, शतक लगाएंगे तो सब लोग क्या करेंगे, रहस्य सोचेंगे कि कैसे उसने शतक लगाया, फिर अपना सब कुछ वार देंगे, वारिधि हो जाएगा। वारने के बाद क्या पता चलता है कि वो बहुत ही प्रपंची है, और फिर प्राश्रवण, श्रवण मतलब वैसे सुनना होता है लेकिन हमने याद कर लिया है कि प्राश्रवण मतलब आंसू बहाने लगते हैं, आंसू में विश्रा आता है, तो वहीं से याद कर लीजिए कि फिर प्रपंच के बाद सब क्या करते हैं, आंसू बहाने लगते हैं, और आंसू कैसे हो जाते हैं, प्रवाह की तरह गिरने लगते हैं। यहाँ तक खत्म हो गया। इसके बाद है दूसरी लाइन में, चुभते चौपते चौपते, चुभते चौपदे और चोखे चौपदे, ये बहुत पूछा जाता है, चुभते चौपदे और चोखे चौपदे, ये कैसी है, ये मुहावरेदार, ये कैसी है, ये मुहावरेदार भाषा में लिखा गया, कैसी है, मुहावरेदार, पूछा जाता है कि मुहावरेदार भाषा में इनकी कौन सी रचना है, तो चोखे चौपदे और चुभते चौपदे क्या है, इनकी मुहावरेदार भाषा में है, मुहावरेदार शैली में है। इसके बाद क्या है, पदम प्रशून, कौन सी है, पदम प्रशून और प्रशून बोलचाल, फिर है रस कलश भी इम्पोर्टेंट है, ये कैसा ग्रंथ है, रीति ग्रंथ है, कैसा ग्रंथ है, रीति ग्रंथ है। आप ये सोचेंगे कि रीति काल तो 1931 में था ही नहीं, इसका समय क्या है 1931, लेकिन रीति ग्रंथ इसलिए है क्योंकि रीति काल की जो विशेषताएं हैं वो इस ग्रंथ में देखी जाती हैं। जरूरी नहीं है कि कोई भी रचना उस काल के दौरान लिखी गई हो, अगर कोई रचना लिखी जा रही है जो रीति काल से संबंधित विशेषताएं से परिपूर्ण है, विशेषताओं से परिपूर्ण है, तो वो रीतिकालीन ग्रंथ कहलाएगा। अगर कोई भक्ति काल की विशेषताओं से परिपूर्ण है तो वो कैसा ग्रंथ कहलाएगा, वो भक्ति काल से। तो जो रस कलश है वो क्या है, एक रीति ग्रंथ है, और भाषा भी इसकी क्या रही है, ब्रज भाषा क्या रही है, ब्रज रही है। उसके बाद कल्पलता, उसके बाद कौन सी है, कल्पलता है, और कल्पलता किसका निबंध है, ये भी पूछा जाता है, कल्पलता किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध भी है, किसका, अगर निबंध पूछे, किसका है कल्पलता, तो किसका बताएंगे आप लोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी कल्पलता किसका निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लास्ट का कौन सा है, ग्राम गीत, लास्ट का कौन सा है, ग्राम गीत, आप लोग
भारत गीत पढ़े थे। भारत गीत किसका था? पाठक का था, श्रीधर पाठक का। वो देहरादून जाते हैं, वनाष्टक में क्या करते हैं? भारत का गीत गाते हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं? रस कलश कल्प लताओं के बीच ग्राम गीत गा रहे हैं। लताएं कहाँ पाई जा रही हैं? ग्रामों में पाई जाती हैं, और कल्पलता के बीच ग्राम में ये गीत गा रहे हैं। इनकी कुछ पंक्तियां भी हैं जो बहुत पूछी जाती हैं प्री प्रवास से। एक इनकी पंक्ति है जो बहुत पूछी जाती है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था लोहित हो जला। कौन सी है? दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। गगन था कुछ लोहित हो चला, कुछ लोहित हो चला। इसको जरूर आप लोग याद कर लेना कि किस रचना से है। अगर पूछे तो प्री प्रवास से है, और किसकी लाइन है या किसकी पंक्ति है तो प्री प्रवास की रचयिता हरिऔध है, तो हरिऔध की ही ये रचना है। लेकिन ये भी पूछ लेता है कि इसमें कौन सा छंद है। छंद अगर पूछे आप लोग क्या बताएंगे? द्रुत विलंबित। छंद कौन सा है? द्रुत विलंबित छंद है। अब ये भी पता होना चाहिए कि द्रुत विलंबित कैसा छंद है, ये वर्णिक है कि मात्रिक है। द्रुत विलंबित छंद जो है वो वर्णिक छंद है, और वर्णिक छंद में द्रुत विलंबित में कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। इसमें कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं, और इसमें भी आप गिनेंगे तो एक लाइन में 12 वर्ण पाया जाएगा। तो द्रुत विलंबित में कितने छंद हुए? 12। कौन छंद हुआ? द्रुत विलंबित छंद किसमें हुआ? सॉरी, दिवस का आसान समय था। अब देखते हैं एक मिनट, इसके बाद एक और पंक्ति है जो पूछी जाती है, उसको भी देख लेते हैं। कौन सी है? प्रिय पति वह मेरा, प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ? प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है? प्राण प्यारा कहाँ है? डूबती जलनिधि का सहारा कहाँ है? क्या है इसमें? प्रिय पति दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है? जिसका मुख देख आज लौ जी सकी हूँ, जिसका मुख लख आज लौ जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है? ये कहता किसने है? अगर हम कोई हमसे पूछे किसकी लाइन किसने कहा है तो क्या कहेंगे? प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा, तो हमें लगेगा कि ये राधा कह रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये किसका कथन है? यशोदा का कथन है। वो नंद से पूछ रही है, हे प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ, अर्थात कृष्ण कहाँ है? तो इसमें भी अगर पूछे कि कौन सा छंद है तो ये मालिनी छंद हो जाएगा। कौन सा छंद? मालिनी छंद। और मालिनी छंद में 15 वर्ण होते हैं। मालिनी छंद में कितने वर्ण होते हैं? 15 वर्ण होते हैं। तो आप लोग हरिऔध से संबंधित जो भी तथ्य हैं सबको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, और मुझे गले में भी बहुत दिक्कत हो रही है। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।